Today I am going to give a lecture on LaTeX, and this is a very nice software, and it is used by many people in scientific community, especially from the people from physics and mathematics. They use this software a lot. So let's start with this software. Before starting this lecture, I want to introduce this platform called MuOSA. हमने जो है 2 साल पहले एक सोसाइटी बनाई थी और इस सोसाइटी को ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के द्वारा रजिस्टर कराया है। तो हमारा ये स्टूडेंट चैप्टर है जो कि समय समय पर कई प्रोग्राम्स करता रहता है, और ये इसी सीरीज में इस बार हमने ये प्रोग्राम किया है। इस साल में कोरोना की वजह से कई प्रोग्राम करने थे, नहीं कर पाया उसको, फिर हमने उसको ऑनलाइन मोड पर लिया है। तो इस तरह के हम पहले भी प्रोग्राम करते रहे हैं, कई गेस्ट लेक्चर्स सारे कैंपस में अंदर ही होते थे। इस बार पहली बार जो हम ऑनलाइन मोड पर अवेलेबल हैं, तो इस सीरीज में मुझे आज मौका मिला है कि मैं लेटेक्स के बारे में कुछ कह पाऊँ। तो लेटेक्स क्या चीज है और वाई वी रिक्वायर्ड दिस, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो let's go to the talk. The talk is on LaTeX, beginner's guide. मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे जरूर होंगे जिनको थोड़ा सा पहले का अनुभव भी है, लेकिन मैं अपनी इस टॉक को जो है इस तरह से सेट करना चाहूंगा कि जिन्होंने पहली बार इसको शुरू किया है वो भी इसको यूज कर पाए। तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि आखिर LaTeX क्यों हम यूज करें, या LaTeX क्या होता है। तो LaTeX जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि मिडिल रेंज से लेके हायर रेंज तक साइज वाले डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए मदद करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट लाइन में आपको दिख रही है, दिस इज नॉट द वर्ड प्रोसेसर। इसका मतलब ये हुआ, ये हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहता है। जैसे हाइपरलिंक हुआ तो उसको ब्लू लाइन से दिखा देगा, अगर हमने स्मॉल आई टाइप किया है तो अपने आप कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल आई कर देगा। LaTeX में ये फीचर नहीं है, आप गलत टाइपिंग करेंगे वो गलत टाइपिंग के साथ ही आपको आउटपुट दे देगा। तो ये हमको केयरफुल रखना पड़ता है कि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, हमको बताना पड़ता है कि ये चीज है और इसका ये मतलब होता है, और उस तरह से वो उसको कन्वर्ट करता चला जाता है अपने आप। तो ये अपने आप कुछ भी नहीं करता, सब कुछ हमको बताना पड़ता है। तो लेकिन जो गेन ये होता है कि अगर हमको कोई थीसिस लिखनी है, बुक लिखनी है, या कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो ये बहुत ही यूजफुल होता है वैसे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई LaTeX, व्हाई नॉट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिस पर हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट इज द क्वालिटी इन एंड एथेस्टिक्स, मीन्स अगर आपने डॉक्यूमेंट को LaTeX में तैयार किया है तो ये मान के चलिए वो डॉक्यूमेंट किसी और सॉफ्टवेयर के बने हुए डॉक्यूमेंट से काफी अच्छा नजर आएगा। स्पेशली जो मैथमेटिकल सिम्बोल्स रहते हैं बहुत सुंदर होते हैं, और वो हमारे लिए काफी काम के होते हैं। देन दूसरा है प्राइस। वैसे भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे नहीं लगता किसी ने पे करके उसको यूज किया है, बट LaTeX जो है कम्प्लीटली फ्री है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है, आपको किसी भी तरह से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप डोनेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इनकी जो वेबसाइट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं और डोनेशन के लिए बोलती हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। दूसरा है एडिटिंग, वर्सनिंग एंड आउटपुट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्क करते हैं और उसका वर्सन चेंज हो जाता है, तो जैसे ही वर्सन चेंज होता है उसमें फिर दिक्कत ये आती है कि नए वर्सन में इक्वेशंस नहीं खुलते हैं या फिर कुछ और चीजें चेंज हो जाती हैं। और जो सबसे सिंपल चीज जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं, हमने बहुत अच्छे से फाइल बना के रखी और उसको दूसरे कंप्यूटर में ले जाके ओपन किया और वहां पे कुछ स्पेसेस गायब हो जाएंगे, कुछ फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे, कुछ और चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के जो चेंजेस इसमें होते हैं, इसको रोकने के लिए मेरे विचार से तो LaTeX सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप किसी एक कंप्यूटर में एक बार बना लीजिए, उसके बाद सारी दुनिया भर के कंप्यूटर में जाके ओपन करते रहिए, उसका आउटपुट कभी चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है।
जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है फोकस ऑन कंटेंट। जनरली जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि क्या चीज को हम हाईलाइट करें, क्या चीज को बोल्ड करें, किस चीज का फॉन्ट साइज क्या रखें और कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। ये सारी चीजें लेटेक्स अपने आप करता है। बस हम बता दें भाई हमारी टाइटल ये है, इंट्रोडक्शन इज आवर टाइटल। जैसे हमने बोला इंट्रोडक्शन इज आवर टाइटल, वो उसको जो है टाइटल का जो भी फॉन्ट साइज जहां रखना होगा अपने आप सेट करेगा, हमको कुछ भी नहीं करना है। एक चीज, एक ड्रॉबैक मैं जरूर कहूंगा, टाइम इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस टाइम इन्वेस्टमेंट? कि ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद करना शुरू कर दीजिए और आपका काम होता रहेगा। आपको 10 से 15 दिन का टाइम सीखने में लगाना पड़ेगा। ये एक चीज है जो कि मैं कहता हूँ ये थोड़ी सी नेगेटिव भी रहती है कि हम पहले 10 दिन इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग एक बार 10 दिन इन्वेस्ट किए हैं, मेरा अनुभव रहा है कभी वापस नहीं आए। वो चाहते हैं कि छुट्टी का एप्लीकेशन भी लेटेक्स में ही लिखें। तो ये एक चीज है जिसमें मैं कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो ये आपका टाइम रिटर्न कर देगा। विद इंटरेस्ट योर टाइम विल बी रिटर्न। आज मैं कोई भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं लेटेक्स यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें फास्ट हो जाती हैं। लेकिन हाँ, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 2-3 महीने का इन्वेस्टमेंट इनिशियल किया हुआ है, और ओवर द टाइम भी जब काम करते हैं तो एरर्स आते रहते हैं, उनको रिमूव करते हुए अपना एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। लास्ट पॉइंट जो इसमें दिख रहा है, इजी टू हैंडल। इजी टू हैंडल शुरुआत करना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई बुक रखी हुई है या कोई थीसिस रखी हुई है या कोई रिसर्च पेपर है, उसमें आप कोई चीज़ चेंज करते हैं तो चेंज बहुत आसानी से आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, आपने उन्होंने वर्ड भी कई बार वर्क किया होगा, आपने एक पैराग्राफ को जो है अगले पेज पे सेट किया क्योंकि केवल 2 लाइनें ही लास्ट पैराग्राफ में आ रही थी, फिर सडनली आपको 2 लाइनें और ऐड करनी पड़ी ऊपर, और उसके बाद आप देख रहे होंगे उसका आपको स्पेस नजर आना शुरू हो गया है। तो वो उस तरह की दिक्कतें वर्ड में बहुत कॉमनली आती हैं, लेकिन लेटेक्स में अगर आप किसी एक पैराग्राफ में काम करते हैं, पैराग्राफ बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद बाकी चीजें जो चेंज होती हैं वो अपने आप चेंज हो जाती हैं। तो ये इसका मेन बेनिफिट रहता है जिसकी वजह से लोग लेटेक्स यूज करते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कहाँ से लेटेक्स को ले आया जाए, क्या हमारे सॉफ्टवेयर और क्या हमारे हार्डवेयर होने चाहिए ताकि हम लेटेक्स को अपने कंप्यूटर पर यूज कर सकें। तो इसके लिए जो है पहला पॉइंट आता है हार्डवेयर। हमको हार्डवेयर क्या चाहिए? तो हार्डवेयर वही हार्डवेयर जहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है, लेटेक्स भी चल जाएगा। बस थोड़ा सा हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए, और जितना स्पेस होना चाहिए जनरली उससे ज़्यादा स्पेस तो आजकल के मोबाइल फोन में अवेलेबल होता है, तो स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड डिस्क स्पेस की बात कर रहा हूँ, रैम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क स्पेस अगर आपको 10 GB अराउंड पड़ा हुआ है तो आप बड़े आराम से वर्ड को आप लेटेक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के लिए क्या चाहिए? तो इसमें आपको कभी भी लेटेक्स यूज करना है तो आपको 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। एक होता है फ्रंट एंड, जहां पर आप टाइपिंग करते हैं और रिजल्ट देखते हैं, और दूसरा होता है बैक एंड। बैक एंड जो है बड़ी कमाल की चीज होती है, सबसे सारा काम वही करता है लेकिन वो कभी नजर नहीं आता है। और एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया है, बैक एंड फ्रंट एंड आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और सारी चीजें जो है अपने आप होती रहती हैं। तो ये इसका बेनिफिट रहता है बैक एंड। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कहाँ से ले आया जाए इसको, कौन सी साइट से हमको मिल जाएगा? तो जनरली जो अगर हमको इंस्टॉल करना है तो हम गूगल यूज करते हैं, उसमें कुछ टैग डाल देते हैं, मिकटेक्स डाल दिया, C10 डाल दिया, विनएडिट डाल दिया, टेक्स्ट स्टूडियो कर दिया। तो आपको जो है मतलब बेसिकली जैसे मैं जो काम किया हूँ उस काम को मैंने मेनली जो है 2 जगहों पर किया है। एक तो टेक्स्ट स्टूडियो पे किया हुआ है, दूसरा मिकटेक्स पे किया हुआ है। तो आप टेक्स्ट स्टूडियो डाउनलोड करके डालिए गूगल में तो बता देगा कहाँ से डाउनलोड करना है। टेक्स्ट स्टूडियो की अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मिकटेक्स भी जो है आप एक इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कर देगा। आपको समय समय पर अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत बेसिक वर्जन डाउनलोड हुआ है और आप कुछ एडवांस वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा एक बार अपडेट करना पड़ेगा, और वो अपने आप हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस यस करना पड़ता है। जब जरूरत पड़ती है पूछता है कि शुड आई अपडेट, आप यस कर दीजिए, अपडेट हो जाता है। और एक बार आपने कर दिया, एक दो बार अगर आपने यूज कर लिया है तो बार बार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारी लिमिटेशन उतनी ही रहती है जो हम वर्क करते हैं, कोई नई चीज जल्दी करने नहीं आते। और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट इज 100% फ्री। नाउ फ्रंट एंड बैक एंड क्या चीजें हैं और क्यों ये जरूरी हो जाती है? तो फ्रंट एंड जो है आपका वो चीज, वो जगह जहां पर हम लोग सॉफ्टवेयर को टाइप करते हैं, और ये जो फ्रंट एंड है
ये टैक्स स्टूडियो है, मैंने पिछले 3-4 सालों से केवल इस पे ही वर्क किया हुआ है। उसके पहले 8-10 साल मैंने विन एडिट पे भी काम किया था, जो दूसरे नंबर पे है विन एडिट, और विन एडिट भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर रहा है। लेकिन विन एडिट को परचेस करना पड़ता था या फिर मंथली बेसिस पर आप उसको डाउनलोड कर सकते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरे कुछ फ्रेंड टेक्निक सेंटर में बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं और वो उसको छोड़ने को रेडी नहीं थे, तो डेफिनेटली उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा। देन बैकएंड में क्या आता है, तो बैकएंड में मेरा अपना अनुभव है कि मैंने केवल मिकटेक्स पे वर्क किया है। करंटली इसका वर्जन 2.9 चल रहा है, इससे पहले वाले वर्जन भी अवेलेबल हैं। बाकी मशीन आपके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए मिकटेक्स अपने आप वाला वर्जन डाउनलोड करता है जो आपको ज़रूरत होती है, तो वो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी वर्जन अवेलेबल हैं, टेक्स लाइव है, मैकटेक्स है, प्रोटेक्स है, और लास्ट में जो ग्रीन में आपको ओलिव दिख रहा है, इसके बारे में आपको इस लेक्चर के आखिरी में बताना चाहूँगा। ये समथिंग न्यू है, नई चीज़ है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एक बार यूज़ करना अगर आप शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओलिव के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। ओवरलीफ ना तो बैक एंड है ना तो फ्रंट एंड है, वो सिंगल एंड है और उस पर सारे काम हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और भी वर्सन जो मैंने मेंशन नहीं किया, मेरे नॉलेज में नहीं होगा, वो भी अवेलेबल है। एक रेवटेक्स भी होता है जो जनरली अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी वो यूज़ करती है, तो वो भी लोग यूज़ करते हैं। बट मिकटेक्स में विंडोज़ पे मिकटेक्स बहुत अच्छा चलता है, मैंने 10-12 साल काम किया हुआ है इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट थिंग इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आपको लिखना है तो आपको मिनिमम जो है, आपको ये जो 4-5 लाइनें दिख रही हैं, इतनी लाइनें तो आपको यूज करनी ही पड़ेंगी। ये दिख रहा है ये जो एरिया है एक सर्कल के अंदर, ये 4 लाइनें आपको मिनिमम लिखनी पड़ेगी, तब आपको एक हेलो वर्ल्ड नाम की चीज़ नज़र आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर का लुक भी बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आप देख रहे होंगे नीचे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, टाइम लगेगा, इट विल टेक, इट मे टेक सम टाइम। यस, तो ये सॉफ्टवेयर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द टेक्स्ट स्टूडियो। ये राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पर टेक्स्ट स्टूडियो लिखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ है। शायद इसमें कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें जो आ रही हैं वो आपको देखने, टॉप पर कॉर्नर टेक्स्ट स्टूडियो हल्का सा दिख रहा है। तो उसमें आप ये इंस्टॉल करेंगे तो इसको इंस्टॉलेशन हार्डली 5 to 10 seconds ही लगते हैं, अगर इंटरनेट अच्छा है तो, या फिर 5 to 10 minutes लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको इंस्टॉल करने में। लेटेक्स इंस्टॉल करने में ज़रूर 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तो दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें हमको अगर हम पहला डॉक्यूमेंट बनाना है, एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि अगर हम कोई एक फाइल बना रहे हैं, लेट से हम आज अपना कोई रिसर्च पेपर पे काम करना शुरू कर रहे हैं, तो पहले तो ये हमने डॉक्यूमेंट को रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसको हम सेव कर लेंगे। पहले हमने इसको सेव किया, सेव करने के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको उस फोल्डर में ले जाके सेव करिए जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। सो ये फोल्डर नाम है माई लेटेक्स और डॉक्यूमेंट नाम माई फाइल कर देता हूँ मैं। तो माई फाइल नाम की एक फाइल है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, और इसमें पहला जो लाइन हमको लिखनी है वह है डॉक्यूमेंट क्लास। ऑप्शंस को अभी हम छोड़ देते हैं, और क्लास की जगह जो हमको कुछ लिखना पड़ता है, तो उसमें आर्टिकल लिखा हुआ था, हम आर्टिकल ही यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये लेटेक्स आप देख रहे होंगे, ये लेटेक्स करके जो टैब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इसमें और इसके बाजू वाले में रखी हुई है। अगर आप स्टूडियो टेक्स्ट स्टूडियो में वर्क करते हैं तो 80% चीज़ें जो है आपकी इन दोनों में रखी, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेटेक्स को क्लिक करिए, इसमें लिखा हुआ है बिगिन डॉक्यूमेंट, इसको आप क्लिक करिए तो अपने आप बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट आ जाता है। सो यहाँ पर जो हम लिखते हैं परसेंटेज साइन के बाद जो कुछ भी लिखते हैं, इसको कमेंट कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और इसके बाद की चीज़ें जो भी लिखी रहती है हमको नज़र नहीं आती। स्क्वायर्स को हम जब रन करेंगे तो ये ग्रीन बटन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन बटन जो है इसको आप क्लिक करिए तो आपको आउटपुट जो है वो प्रोसेस होकर राइट साइड में नजर आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेलो वर्ल्ड जो है आपको नजर आ रहा है, ये हमारा आउटपुट है जो हमने बेसिक आउटपुट के लिए लिखा था। तो इतना आपको 4 लाइनें लिखनी पड़ेगी इवन टू प्रिंट सिंगल फ्रेज हेलो वर्ल्ड।
नाउ अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल में केवल इतना ही नहीं रहता, आर्टिकल में हमारा जो है टाइटल भी होता है। तो टाइटल आप लिखिए TITLE टाइटल, और आप देखते हैं ये पॉपअप हो जाता है इसमें, और पॉपअप जो है आपको जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो एक फॉर्मेट ऑलरेडी बन गया है। यहाँ हम टाइटल ले सकते हैं कि लेट्स से आवर टाइटल इज आवर क्लास ऑन लेटेक्स, सो दिस इज द टाइटल। देन नेक्स्ट कम्स द ऑथर, ऑथर लेट मी पुट माई नेम। ये एफिलिएशन जो है वो मैं थोड़ा सा बोलूंगा ये ट्रिकी होता है, और इन जनरल एफिलिएशन इस तरह से लिखा भी नहीं आता। अगर एफिलिएशन लिखना है तो इसके अंदर ही आप डबल स्लैश लगाइए और डिपार्टमेंट ऑफ कर दीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रिकी होता है क्योंकि जनरली हम जब रिसर्च पेपर लिखते हैं किसी जनरल के लिए भेजना चाह रहे होते हैं तो हर एक जनरल का जो है अपना एप्लीकेशन लिखने का तरीका अलग रहता है, तो उसको आपको उस जनरल के जो हेल्प फाइल्स है उसको पढ़ करके निकालना पड़ेगा और वहां से जो है आपको मिलेगा वो। तो इस तरह से हम लिख भी सकते हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है वो ये कि अभी भी अगर आप आउटपुट दिखाएंगे तो आपको टाइटल और ऑथर नजर नहीं आएगा। उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ डालना पड़ेगा मेक टाइटल, मेक टाइटल, ये आ गया मेक टाइटल। इसके बिना जो है आपको वो नहीं दिखेगा। तो मेक टाइटल आपने जो है जस्ट बिगिन डॉक्यूमेंट के नीचे लगाया हुआ है, और इससे जो है इस जगह पर जो है आपके टाइटल और ऑथर प्रिंट हो जाएंगे। तो जस्ट क्लिक दिस ग्रीन बटन, नाउ यू कैन सी हियर आवर क्लास ऑन लेटेस्ट इज द टाइटल एंड The application is coming there. Some date is also showing here. Generally, we do not put the date here. So just put a date, blank date here. So this will suppress the your date. This now again it won't show the date. So this is the what we use in general. Now after the main title, we use the abstract. So here to put the abstract. We write many things in begin something and begin end. So here begin abstract, begin abstract. आप देख सकते हैं आ गया, ये ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, बिगिन एंड एंड ब्लॉक। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट है और भी चीजें आती हैं उनको आप लिख सकते हैं और वो आपको वहां पर नजर आएगा। अब यहाँ पर जो है मैं अगर लिख दूं इट इज माई एब्स्ट्रैक्ट फॉर दिस पेपर, और इसको मैं रन करूं, रन करने के लिए शॉर्टकट भी है, F5 भी है, आपको बार बार माउस पकड़ने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल आ गया है। अगर मैं इसको कई चीजों को इसको रिपीट कर दूं तो आपको ज्यादा विजुअल होगा कि एब्स्ट्रैक्ट और टेक्स्ट से अलग क्यों कैसे होता है। तो आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, और हेलो वर्ल्ड को भी मैं रिपीट कर देता हूँ कई बार तो आपको एक व्यू आ जाएगा कि किस तरह से चीजें अलग नजर आती हैं। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, नाउ आई एम रनिंग इट। आप ये देख सकते हैं जो रिमेनिंग टेक्स्ट है उससे ये अलग दिख रहा है। हेलो वर्ल्ड को मैं हटाता हूँ, सही नहीं आया वो। सम मटेरियल यू नीड आप कहीं से भी ले सकते हैं, या जब आप पेपर लिख रहे हैं आपको पता हो क्या लिखना है। ये आप इसका आउटपुट देख सकते हैं इस तरह से। जनरली एब्स्ट्रैक्ट जो पोर्शन रहता है वो आपके मेन टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग नजर आता है। इसके अलावा जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो आता है वो आता है सेक्शन होता है। तो वी कैन पुट द सेक्शन, सेक्शन में इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन सेक्शन के बाद जो अगली चीज आती होती है वो सब सेक्शन होती है, क्योंकि सेक्शन भी कई सेक्शन से मिलकर बना होता है। सो यू कैन पुट द सब सेक्शन, हम इसको सब सेक्शन ही नाम दे देते हैं टाइटल को भी, और यहाँ लिख सकते हैं आवर सब सेक्शन will go here.
सब सेक्शन के बाद एक और सब सेक्शन होता है, उसको सब सब सेक्शन बोला जाता है, तो हम वो भी लिख सकते हैं सब सब सेक्शन। और ये सारी चीजें अपने आप आती रहती हैं, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है, अपने आप ऐड हो जाएगा, बस थोड़ा सा एंटर की प्रेस करना आपको आना चाहिए टाइम टू टाइम सब सब सेक्शन। सो आवर सब सब सेक्शन विल गो हियर। सो आई एम जस्ट एक्सक्यूटिंग इट, आप उसका आउटपुट देख लीजिए। ये इसमें देखिए हमने जो है ये कभी ध्यान नहीं रखा कि इंट्रोडक्शन की क्या फॉन्ट साइज होनी चाहिए, फिर सब सेक्शन की क्या होनी चाहिए, उसकी नंबरिंग क्या होनी चाहिए, ये लेटेक्स अपने आप करता रहता है ऐड। अब जैसे अगर हम कोई जीरो सेक्शन इंसर्ट कर दें, यहाँ पर हमने एक और सेक्शन डाला ऊपर सेक्शन इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के ऊपर, जब हमने कोई सेक्शन है तो आप देख सकते हैं अपने आप चेंज हो जाती है जीरो। न्यू सेक्शन आई एम रनिंग इट, आप ये देखिए इंट्रोडक्शन का नंबर अब अपने आप टू हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कई बार होते हैं, जब वर्ड में काम करते हैं नंबर चेंज करना भूल जाते हैं और बाद में दिक्कत होती है, और केवल टू का नंबर चेंज नहीं हुआ, 2.1 2.2 सारे के नंबर उन्होंने चेंज कर दिए हैं। ये इसका बेनिफिट होता है जो हमको कई बार दिखाई देता है। तो ये चीजें हैं जो कि एक आर्टिकल के लिखने में आता है। हम अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स पर वापस चलते हैं और ये इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ये अगेन जो लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट क्लास, ये एक स्लैश के साथ जो भी चीज लिखी रही, जैसे आप डॉक्यूमेंट क्लास देख रहे हैं यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट क्लास इसको हम कमांड बोलते हैं। और इस तरह की जितनी चीज, जैसे डॉक्यूमेंट क्लास एक कमांड है, बिगिन एक कमांड है, एंड भी एक कमांड है, और ये जो हेलो वर्ल्ड है ये हमारा टेक्स्ट कहलाता है। तो इस तरह से जो है इसमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि आप कहाँ पर क्या चीज को लिख रहे हैं। नाउ इन जनरल वी राइट अ बुक और वी राइट अ आर्टिकल, ये सारी चीजें जो है आपके ऑलरेडी जो मैंने लिखा हुआ है उसी में डॉक्यूमेंट क्लास आपने देखा ही है, टाइटल भी आपने देख लिया है, ऑथर भी आपने देख लिया है। और अगर हमको एक बुक लिखनी है तो आर्टिकल जहाँ लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल राइट साइड में है, आपको इस आर्टिकल अगर हम बुक यूज कर लेते हैं यहाँ पर, और बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है। आपको जैसे पता होगा कि जो बुक होती है उसमें लेटर्स आते हैं और जो हमारे आर्टिकल होता है उसमें सेक्शन से शुरू होता है, तो बेसिक जो डिफरेंस आता है वो होता है वो चैप्टर का। ये एक नया चीज हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसको हम चैप्टर बोलते हैं, बाकी चीजें सेक्शन सब सेक्शन सब एज इट इज जाता है। तो मैं इस पोर्शन को कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट में अंतर आपको मिलेगा जब हम इसको ले जाएंगे। मैं पूरा पूरा इसको डिलीट कर दे रहा हूँ जो भी लिखा हुआ था, और इसको पेस्ट कर दिया नया जो पावर पॉइंट में था, और इसको जब रन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये एक बुक आ गई है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बुक जनरली जो होती है वो ये बुक का नेम है और नेम ऑथर का है, उसका डेट को बुक लिखी गई है। पेज नंबर टू ब्लैंक है क्योंकि जब बुक हम जो ओपन करते हैं तो जो उसका फ्रंट कवर होता है उसके बैक साइड में या तो कुछ कॉपीराइट इश्यूज वगैरह लिए रहते हैं, अदरवाइज वो ब्लैंक ही रहता है। और ये कंटेंट जो है इस तरह से बकायदा जमे हुए रहते हैं, वर्ड में करना बहुत दिक्कत का काम होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज भी जो ब्लैंक ही होता है, और इसके बाद आपका चैप्टर वन आ जाता है। तो यहाँ से चैप्टर आप एक बुक में एक चैप्टर रखना चाहते हैं दो रख दीजिए, जितना रखना चाहे रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कितने चैप्टर रखना चाहते हैं। अब ये इसमें एक चीज ध्यान रखिए आप कि मेक टाइटल जो लिखा हुआ था इसमें टेबल ऑफ कंटेंट करके लिखा हुआ है, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, दिस टेबल ऑफ कंटेंट इज
जो कि ये आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट बन रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो ये जब भी आपको जहाँ पे भी चाहिए होगा वहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट लाइन है डॉक्यूमेंट क्लास, डॉक्यूमेंट क्लास में एक तो आपका ऑप्शन आता है और दूसरा जो आता है वो है क्लास। ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस में आप क्या क्या चीज लिख सकते हैं, तो आप उसमें फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट का मेन फॉन्ट साइज क्या होगा। क्यों तीन ही फॉन्ट साइज अलाउड है, 10, 11, 12। ये आर्टिकल है, देन रिपोर्ट है, बुक है। रिपोर्ट बुक में एक अंतर होता है, बुक जनरली टू साइडेड होती है, रिपोर्ट सिंगल साइडेड होती है, अदरवाइज सारी चीजें सेम रहती है। आर्टिकल हम लोग जो भी रिसर्च करते पता ही है कि आर्टिकल कैसा होता है। देन फॉन्ट साइज का है, अगर आप कोई फॉन्ट साइज इन टेक्स्ट छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो टाइनी है, स्क्रिप्ट साइज है, फुटनोट साइज है, और बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। लार्ज में आप देखिए, लार्ज है, ये तीन तरह का होता है। लार्ज एक सारे स्मॉल हैं, पहले में एल कैपिटल हो जाता है, तीसरे में जो है सारे कैपिटल हो जाते हैं। तो ये 12, 14 एंड 17 होता है, अगर आपका स्टैंडर्ड साइज जो है 10 पॉइंट लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो आती रहती हैं इसमें। तो ये मैं एक दिखा देता हूँ उसको यूज कैसे करते हैं। जैसे कि हमने जो है सेक्शन में उसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं और इसको हम आर्टिकल बना देते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो सेक्शन है ये बहुत छोटा सा नज़र आया, जो सेक्शन का हेडिंग है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। यहाँ लिखा टाइनी, TINY, टाइनी, और फिर मैं जब रन करता हूँ देखिए तो ये जो है आप देख सकते हैं सेक्शन बहुत छोटा सा हो गया है, बहुत छोटा सा, अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो बहुत ही छोटा सा है। और दूसरा जो है आप उसको यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ा नजर आएगा यूज। सो व्हेन यू रन इट, ये देखिए सेक्शन बहुत बड़ा हो गया है। तो ये इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। किसी को बोल्ड करना है, जैसे सब्सटेंस जो लिखा हो उसको हम बोल्ड करना चाहें तो टेक्स्ट BF देन सब्सटेंस, इसको हम जब रन करेंगे तो आप देखेंगे ये हमको बोल्ड में नजर आ रहा है। तो इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। So let me go to the few more things. Then next is bulleting, हमको करनी पड़ती है। बुलेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सम हैंगिंग टैक्स भी होता है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे आइटमाइज करना है हमको, इसको आइटमाइज कहा जाता है। आइटमाइज मतलब आपके बुलेट्स नजर आएंगे, और अगर आपने इनुमरेट कर दिया है उसी को तो आपको नंबर्स आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन जो है हैंगिंग टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, थोड़ा कम यूज होता है। तो ये मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर जो है आप लेटेक्स में जाइए टैब में, और इन्वायरमेंट लिस्ट इन्वायरमेंट में जाइए और इसमें कोई सा क्लिक करिए तो ये अपने आप टाइप कर देता है, हमको कुछ नहीं करना है। अब आइटम में हम 1 लिख सकते हैं, दूसरा आइटम जो होगा 2 कर सकते हैं इस तरह से। और जब आप रन करेंगे तो आपको ऑलरेडी जो बुलेट्स नजर आएंगे जो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बनाना आसान है, एक के अंदर दूसरा भी आप कर सकते हैं, नेस्टिंग की जा सकती है। इस आइटमाइज को अगर इन्यूमरेट कर दें तो ये नंबरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्यूमरेट, पॉसिबल स्पेलिंग सही नहीं है, मैं इसको लेटेक्स से ही डाल देता हूँ। लिस्ट इन्वायरमेंट इन्यूमरेट, ये आ गया। नाउ यू कैन सी दिस इज 1, 2। तो ये आसान है, आप लेटेक्स में जाइए, लेटेक्स में लिस्ट इन्वायरमेंट है, इसमें से कोई सा भी चूज करिए आपका आ जाएगा। और देन नेक्स्ट इज इंसर्टिंग ए पिक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टू इंसर्ट ए पिक्चर। और एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपके पास पिक्चर होना चाहिए, और कैसे करना है आपको बता देता हूँ।
कुछ कॉमन सी लाइंस हैं उनको यूज किया जाता है। मैं अपना डॉक्यूमेंट बहुत छोटा कर देता हूँ ताकि सारी चीजें नजर आए। सारी चीज हटा दिया, केवल उसका स्केलेटन रखा हुआ है। इसमें जो है एक आपको यूज करना पड़ता है वो है यूज पैकेज। एक पैकेज लगता है स्लैश यूज पैकेज। और पैकेज का नाम है ग्राफिक्स। ये आ गया ग्राफिक्स। फिर यहाँ पर जो है आप लेटेक्स में ही जाइए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंक्लूड फाइल्स में जाइए, यहाँ सॉरी आप इसमें इन्वायरमेंट में जाइए। इन्वायरमेंट में सबसे आखिरी में आपको मिलेगा फिगर इन्वायरमेंट, क्लिक कर दीजिए तो आपका फिगर इन्वायरमेंट आ गया। यहाँ कैप्शन है, आप फिगर में जो भी दिखाना चाहेंगे, दिस इज माई मैंगो बिकॉज आई एम गोइंग टू इंसर्ट द मैंगो पिक्चर। और इस पिक्चर को इंक्लूड करने के लिए एक लाइन और डालनी पड़ेगी आपको, और वो लाइन भी आपको यहाँ मिल जाती है, ढूंढनी नहीं पड़ती। इंक्लूड फाइल्स में है इंक्लूड ग्राफिक्स, जैसे आप क्लिक करेंगे वो फाइल को सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। हमने सेलेक्ट किया तो जहाँ पे फाइल पिक्चर रखा हुआ है तो वहाँ से हमने पिक्चर को जस्ट डबल क्लिक किया, ओके किया, और ये इसने जो भी पाथ डालना था उसका पाथ इंक्लूड कर दिया। एक और कमांड होता है सेंटरिंग, ताकि पिक्चर आपका सेंटर अलाइंड हो, और आप इसको जस्ट एंटर करिए और आपको ये पिक्चर दिखेगा कि इंसर्ट हो गया है। और ये पिक्चर जो है हम कंट्रोल नहीं करते हैं, लेटेक्स अपने आप कंट्रोल करता है कि पिक्चर आपको कहाँ पर नजर आनी चाहिए। एक और कमांड है इसमें जिसको लेबल बोला जाता है। लेबल जो होता है जनरली फिगर के लिए फिग इस तरह से लिखते हैं मैंगो। ये इसलिए हमको यूज करते हैं, कई बार हमको लिखना पड़ता है सी द पिक्चर, तो सी द फिगर, और इसको हम उसके रेफ यूज करेंगे। और रेफ में जो है आपका हम फिग मैंगो यहाँ पे डाल देंगे, और जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो आपको ये देखिए, आप जनरली एक स्लैश छूट गया, इससे ऐसा हो रहा। रेफ की जगह इक्यू रेफ यूज कर रहे हैं, और इक्यू रेफ यूज करने के लिए जो है होते हैं तीन पैकेज हैं, एम मैथ एम फॉन्ट सिंबल, इनको यूज करना पड़ता है, तो उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ नंबर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, ये अलग से लगाओ, उसको हटा देता हूँ। और जब रन करेंगे तो आप ये देखते हैं आपको जो आउटपुट चाहिए ऐसी होता है। इस पेपर हम लिखते हैं कि हमको सीधे फिगर वन, और ये फिगर नंबर वन आया है, इसका कैप्शन लिखा हुआ है, और ये फिगर भी दिख रहा है आपको, इट इज अ ग्रीन मैंगोस। और ये लाइनें हैं, अगर आप इसके बाद जस्ट अगला फिगर इंसर्ट करना है, इन्हीं चीजों को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और फाइल का नाम चेंज कर लीजिए। जैसे एक फाइल मेरे पास एप्पल पड़ी हुई है, एप्पल नाम की फाइल पड़ी हुई है, तो इस फाइल का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं मैंगो की जगह अगर आप उस फाइल का नाम डाल देंगे तो जो आपके मैंगोज हैं वो सॉरी मैं गलत जगह चेंज कर दिया नाम को, यहाँ पे एप्पल, नाउ आई एम रनिंग इट। आप देख सकते हैं इट इज काइंड ऑफ मैजिक, आपका जो मैंगो है एप्पल में कन्वर्ट हो गया है। सो ये चीजें जो इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं। नेक्स्ट कम्स टेबुलर एनवायरनमेंट। टेबल के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ आपको, जब तक टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और लकली मुझे अपने रिसर्च के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। टेबल इन्वायरमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और दिक्कत करता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप कर सकते हैं। एक सिंपल सी 2x2 की टेबल अगर बनानी है तो स्टूडियो में पॉसिबल है कि बनाया, ये टेक्स्ट स्टूडियो में पॉसिबल है कि थोड़ा सा सिंपली बना लिया जाए, तो इसके लिए विजर्ड यूज़ करते हैं।
आप विजेट यूज करते हुए जाइए क्विक टेबुलर, क्लिक करिए, ये पूछेगा आपसे कितने रोज है, कितने कॉलम्स चाहिए, तो हमें 2 रोज बाई 2 कॉलम्स चाहिए, और लास्ट में आकर के ओके कर दीजिए, तो ये कुछ स्केलेटन बना के हमको देगा। अब इस स्केलेटन को फिल करना पड़ेगा, बेसिकली एंड जो है वो जो एलिमेंट्स हैं टेबल्स के उसके बीच की बाउंड्री है, तो एंड के लेफ्ट साइड एक टेबल होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट से नेम, और इसी के राइट साइड लिख दिया एज, फिर इस एंड के लेफ्ट में फिर हमने लिख दिया नेम लेट से इट इज राजू एंड द एज इज लेट से 25, और उसके बाद हम कंपाइल करेंगे तो आपको एक छोटा सा टेबल मिला बन जाएगा, और इस तरह से ये बनता है। बट कॉम्प्लेक्स टेबल बनाने में दिक्कत होती है, मुझे ही बहुत दिक्कत होती है, मैं अवॉइड करता हूँ कि टेबल अगर बनाना हो तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना लूँ उसको, और उसको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ले आऊँ अपने डॉक्यूमेंट में, वो मच इजियर है एज कम्पेयर टू मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टेबल। कई चीज़ों को मर्ज करना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं है, समहाउ लेटेक्स टेबल के मामले में थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसमें आप देख ले सकते हैं बिगिन टेबुलर हमने किया हुआ है, एंड टेबुलर है, एच लाइन जो है आपकी जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है अगर आप स्पीकर पिक्चर को देख रहे हो तो सबसे टॉप पर है, सबसे बॉटम पे, और बीच में एक है, 3 लाइन्स हैं, तो 3 टाइम्स एच लाइन यूज किया हुआ है। और ये डबल स्लैश जो होता है न्यू लाइन के लिए होता है, तो यहाँ पे हमको हर एक लाइन के लिए न्यू लाइन चाहिए तो हमने इसको यूज किया हुआ डबल स्लैश। और ये जो आपका आर्गूमेंट है यहाँ पर, इस आर्गूमेंट में आप देखिए आपके 2 कॉलम्स हैं, बोथ कॉलम्स आर सेंटर अलाइंड, अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो सी को आप एल कर दीजिए, राइट अलाइन करना है तो आप आर कर दीजिए, और इस तरह से हर एक कॉलम का जो है आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो डंडे दिख रहे हैं 3, ये बता रहे हैं कि हमको लाइंस बीच में डालनी है नहीं डालनी है, जैसे मैं लेफ्ट साइड वाला ये डंडा हटा देता हूँ, मीन्स सबसे पहले सी आ रहा है और फिर रन करूंगा तो टेबल का जो लेफ्ट बाउंड्री है वो गायब हो जाएगी, ये देखिए बाउंड्री आपको नजर नहीं आ रही लेफ्ट साइड, तो इस तरह से इसको माइन्यूटली टर्न किया जाता है। इन पर टेबल के लिए मुझे लगता है एक सेपरेट क्लास की ही जरूरत पड़ेगी, तो ये चीजें जो इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक मैथ में इंक्लूड कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैथ के लिए 3 तरीके होते हैं जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट ही कर देता हूँ सीधे। अगर हमको कोई मैथ लिखना है, माई इक्वेशन इज, अगर आप सिंगल डॉलर्स के अंदर में कुछ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक्स कैरेट्स एंड स्क्वायर के लिए होता है, तो आउटपुट में आप देखेंगे कि इक्वेशन लिख के आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसी को मैं अगर डबल डॉलर कर दूं, सिंगल डॉलर की जगह डबल डॉलर के अंदर बंद कर दूं, तो आप आउटपुट में देखेंगे इक्वेशन तो नजर आ रहा है बट वो अगली लाइन में आ रहा है, मतलब इसको ऑफलाइन इक्वेशन बोला जाता है, तो ऑफलाइन इक्वेशन के लिए हम एक्स स्क्वायर करके ऐसा यूज कर सकते हैं। देन एक और तरीका होता है कि हम इसी तरह से इक्वेशंस के नंबर भी डाल दें, तो उसमें आप मैथ में जाइए, मैथ में आपको मैथ इक्वेशंस बहुत सारे दिखेंगे, और इसमें आप इक्वेशन नॉर्मेट ले सकते हैं, तो इसमें जो है आप बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के अंदर जो है कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका इक्वेशन है, जैसे हम अल्फा स्क्वायर लिखना चाहते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा, तो स्लैश अल्फा स्क्वायर है तो कैरेट लगाइए 2 प्लस स्लैश बीटा, स्लैश करके हमको लिखना, सारे ग्रीक सिंबल्स आप लिख सकते हैं बीटा, और हमने अंडरस्कोर 1 कर दिया है क्योंकि बीटा 1 है, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन आपको इस तरह से दिख रहा है। इवन अगर बीटा के बाद आप स्क्वायर भी करना चाहें तो कैरेट करके स्क्वायर कर सकते हैं, और इस तरह से आपका इक्वेशन लिख जाएगा। लेटेक्स में इक्वेशन राइटिंग अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या करने की ज़रूरत है, तो वो बेसिकली आपका जो है इक्वेशंस हैं, और उसको एक क्लास में कन्वर्ट करना पूरा संभव नहीं है, आपको उसमें अच्छा खासा इनपुट देना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बी कंफर्टेबल ऑन राइटिंग द इक्वेशन। स्पेशली मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस लंबे छोड़े लिखता हूँ, और मेरा अच्छा खासा इनपुट जो होता है इक्वेशंस को लिखने में जाता है,
और ये प्रैक्टिस का मैटर है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। जनरली सारे ग्रीक लेटर्स के लिए आप अल्फा बीटा उनके नाम जानते हैं, कप्पा हुआ, काई हुआ, जाई हुआ, नेबला हुआ, तो आप नाम से उसको जस्ट टाइप कर दीजिए, स्लैश लगा के वो प्रिंट हो जाता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ जिसमें हमको इसको कुछ आपको x अपॉन y के फॉर्म में लिखना है, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे x अपॉन y ऐसे लिखा हुआ है, इसको जस्ट आप क्लिक करिए तो ये फ्रैक्शन कमांड आता है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में हमने x स्क्वायर लिखा है और डिनोमिनेटर में हमने जो है बीटा लिखा हुआ है, और इसको हम फिर इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो ये आपको इस तरह से फ्रैक्शन वाले इक्वेशंस लिखे जाते हैं। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं और हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक और इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम लोग अलाइन बोलते हैं, अलाइन बोलते हैं, तो मैं अलाइन यूज करता हूँ। अलाइन में क्या होता है, अगर हमको कई इक्वेशन लिखना हो, जैसे एक इक्वेशन हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा है, और स्लैश करके हम नेक्स्ट लाइन ला रहे हैं और यहाँ हम लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू जीरो। अब हम चाहते हैं कि इनके इक्वल टू जो है एक के ऊपर एक नीचे है, तो हम इक्वल टू के पहले एक एंड साइन लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एंड साइन लगा देते हैं, और एंड साइन लगा के जब हम रन करते हैं तो आप देखेंगे इक्वेशन जो होते हैं बड़े अच्छे से अलाइन दिखते हैं। इनके इक्वेशन एक के नीचे एक, इक्वल टू जो साइन है एक के नीचे एक रहता है उसको अलाइन कर देता है। तो बेसिकली जब हम मल्टीपल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो इसकी हमको जरूरत पड़ती है अलाइन की। तो ये चार तरीके जो है, इसके अलावा मैंने कोई ज्यादा कभी यूज नहीं किया, और ये चारों तरीके जो है बहुत ही कॉमनली जो है यूज होते रहे हैं, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये चार तरीके इसमें लिखा हुआ है, इनलाइन मैथ, आउटलाइन मैथ, इक्वेशन विद द नंबर एंड अलाइन इक्वेशन विच वी यूज फॉर द अलाइन, और ये एंड साइन यूज किया जाता है ताकि हम उसको अलाइन कर सकें। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कैरेट यूज करते हैं, सब स्क्रिप्ट के लिए अंडरस्कोर यूज करते हैं, ग्रीक लेटर्स के लिए अल्फा बीटा गामा यूज किया जाता है, फ्रैक्शंस हैं, अंडरस्कोर है, देन रेफरेंसेज है, ये एक लास्ट टॉपिक मैं बोलूँगा कि है। तो ये हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, अगर आपको बनाना है तो ये चीज़ें कॉपी कर लीजिए, आप गूगल में जाइए, द बिब्लियोग्राफी बोलते हैं उसको कॉपी कर लीजिए, या फिर आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होगा। आपको सिंपली क्या करना है, वो पहली चीज़ जो करनी है वो ये कि आप पहले लिख लीजिए रेफरेंसेस को इस तरह जैसे हम लिखते हैं, आपकी जो भी स्टाइल है, आप जिस भी स्टाइल से परिचित है उसको लिख लीजिए। उसके पहले हमको एक बिग आइटम लिखना पड़ता है, बिग आइटम में आपको नाम डालना पड़ता है। ये जो नाम मैंने लिखा हुआ है SM97, एस स्टैंड फॉर सिंडर्स और एम करके भी ऑथर था जिसको मैंने शॉर्ट करने के लिए कट कर दिया, ये सिंडर है, मिसेल करके जो आपको इसमें दिख रहा होगा जो पिक्चर पेस्टेड है मिसेल, तो एस फॉर सिंडर्स, एम फॉर मिसेल, और ये पेपर जो 97 में पब्लिश हुआ था इसलिए SM97 इसका नाम है। तो इस पेपर का एक सिनोनिम्स नेम है, और इस नाम को फिर हम यूज करते हैं जब हम उसको बुलाते हैं कहीं पे, तो उसके लिए साइट यूज किया जाता है, साइट, और साइट के अंदर आर्गुमेंट में SM97 इंक्लूड किया जाता है। तो ये इस तरह से जो है किया जाता है। सिमिलरली दूसरा पेपर जो है उसको हमने रिफर किया हुआ है, और जब हम रन करते हैं तो ये हमको आउटपुट इस तरह से नजर आता है। तो ये रेफरेंसेज है, और रेफरेंसेज थोड़ा सा अलग से भी कवर किया जा सकता है बाद में। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट छूट गई। एक जो चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था सभी से वो ये कि देयर माइट बी सम अदर वेबसाइट्स आल्सो। एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरलीफ, मैं उसको टाइप कर रहा हूँ ओवरलीफ, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो जैसे ही हम ओवरलीफ टाइप करते हैं एक वेबसाइट खुलती है, इसमें आप लॉगिन बना लीजिए, रजिस्टर करिए अपने आप को किसी भी अपने ईमेल आईडी से, और रजिस्टर करने के बाद उसमें लॉगिन कर जाइए। मैंने लॉगिन किया मेरा जो अकाउंट है उससे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको एक नया प्रोजेक्ट पे काम करना है, यू जस्ट प्रिंट द न्यू प्रोजेक्ट, ब्लैंक प्रोजेक्ट चाहिए, ब्लैंक कर लीजिए, नाम लेट से मैं इसका नाम लेक्चर डालता हूँ, तो दिस इज द लेक्चर जो उसमें ओपन हो गया। एक नया प्रोजेक्ट मतलब एक नया रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, नई बुक लिख रहे हैं, तो जनरली ये कि इसने कुछ बना के दे दिया अपने आप, एक सिंपल सा है
इसको आप रन करना चाहें तो कंपाइल कर लीजिए, और कंपाइल जैसे ही करेंगे तो आपको आउटपुट भी में यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ से आप अपने पहले से कुछ बना हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं ये इस पोर्शन को कॉपी करता हूँ जो हमारी बिब्लियोग्राफी वाला है पोर्शन है, और उसको ले जाके उसमें रख देता हूँ नीचे की तरफ कहीं पे, और इसको मैं फिर रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें जो इसमें इनकॉर्पोरेट होकर राइट साइड में आती है, राइट साइड में पीडीएफ कन्वर्ट हो रहा है और लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं। इवन इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप लॉगिन बनाइए, यूज करिए। एक रिस्क है जो है, जो हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया और वो ओवरली फॉलो ने वहां से चोरी कर लिया, तो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि वो चोरी करते हैं नहीं करते हैं। जैसे जीमेल में जो कुछ भी हमने रखा हुआ है, अपनी किसी भी ईमेल आईडी में जो कुछ रखा हुआ है, अगर उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर उसको यूज कर सकता है तो वैसा यूज इसमें भी संभव है, और वो चीजें इसमें भी पॉसिबल हो सकती हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। आप जब भी कोई चीज ऑनलाइन यूज करते हैं तो इट इज योर रिस्क कि आप उसको कितना यूज करना चाहते हैं, कितना बिलीव कर सकते हैं किसी चीज पे, तो वो रिस्क तो रहता है। आपके पास थोड़ा भी लेटेक्स आता हो आप धीरे धीरे ट्राई करिए इस सॉफ्टवेयर में, जो है किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी मतलब आपको लेटेक्स आना चाहिए क्योंकि इसमें पॉपअप वगैरह उतनी आसानी से नहीं आते, मेनू नहीं आता, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको मैं कहूँगा टेक्स्ट स्टूडियो डाउनलोड करके उसमें वर्कआउट कर लीजिए। टेक्स्ट स्टूडियो में आपको दो ही कॉलम देखना है, लेटेक्स है, डॉक्यूमेंट क्लास, यूज पैकेज, AMS पैकेजेस जो हैं, जब अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उनको क्लिक करना ही पड़ता है, ऑथर, टाइटल, मेक टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, सेक्शनिंग कमांड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हैं। इन्वायरमेंट्स मैंने केवल आपका फिगर इन्वायरमेंट ही लिया था और कुछ नहीं दिया। कोट है, कोटेशन है, वर्सेज हैं, सारी चीज़ें इंग्लिश में मीनिंग होती है, वैसे ही वर्क करते हैं। फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप यहाँ से ला सकते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेबलर इन्वायरमेंट्स हमने जो यूज़ किया हुआ है, बाकी टेबलर इन्वायरमेंट टफ होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो बनती हैं। मैथ में बहुत सारा कुछ है आपको मिल जाता है, इवन मैथ में बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ से भी आ जाती हैं, बहुत सारे इसमें वर्कआउट करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा, बट आपको काम करना पड़ेगा तब आप चीज़ें आएंगी, अपने आप तो नहीं आएंगी, वर्ड जैसा मज़ा नहीं आता, बट एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो फिर चीज़ें बहुत ही यूजफुल रहती हैं और बहुत फास्ट वे में वर्क करती हैं। मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ।